हेलो गाइस, पहले मुझे दीजिए मेरी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे जॉन विक 3 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ एस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के है। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉन विक चैप्टर 3 के बारे में। तो फाइनली मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि जॉन विक इस मंथ में कन्फर्म हो चुकी है कि हिंदी में रिलीज होगी, और एयरटेल इंडिया ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया कि 10 अप्रैल को आपको ये मूवी हिंदी में देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ तमिल तेलुगु में भी आपको ये मूवी देखने को मिलेगी। तो गाइस, कल एयरटेल वाले ऐप पर आपको ये मूवी ऑफिशियली हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो जैसी कोई रिलीज होती है तो मैं तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा और आपको अपडेट दे दूंगा। साथ ही साथ जेम्स गन जो कि डायरेक्टर हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के, उन्होंने कंफर्म करा है कि तीसरे पार्ट में रॉकेट रकून सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। और उसके बाद एक खुशखबरी, डिज्नी प्लस पर वर्ल्ड वाइड में 50 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है डिज्नी के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली ये ऐप लॉन्च हुई है और इतने सारे सब्सक्राइबर उन्हें मिल गए हैं। देन उसी के साथ डे जॉनसन ने कंफर्म कर दिया जुमानजी 4 रिलीज होगी और इसके ऊपर काम भी चल रहा है ऑफिशियली। और आप सभी जानते हो कि तीसरे पार्ट में तो उन्होंने छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाई दिया था। और देन ओबी बैंक की जो टीवी सीरीज बन रही है प्रीक्वल, उसमें हमें जर्जर भी दोबारा से देखने को मिलेंगे, जो कि स्टार वॉर एपिसोड 1-2-3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। देन उसी के साथ आपके लिए खुशखबरी है, एक रूमर आया है मार्वल स्टूडियो में यंग एवेंजर्स के ऊपर मूवी बन सकती है। अगर कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन आती है तो मैं आपको तुरंत इसके ऊपर वीडियो अपडेट दे दूंगा। और देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही।